हमारे सिटी में एक और भूत आ चुका है जो कि यार हाथ निकलता है और सभी आदमियों को जमीन में खींच कर ले जाता है। अरे यार अब तो न्यूज वाले भी बकवास करने लग गए हैं। लेकिन यार मेरे फोन पर किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो, बोल रहे ना, हम कल्याण जंक्शन पर उतरने वाले हैं, तुम हमको लेने आ जाओ। अरे यार तो मेरे भैया का कॉल था जो कि बहुत दिनों से घर वापस नहीं आए हैं, मतलब कि उनका आर्मी में नौकरी लग चुका था इसलिए आज बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिलने पर वापस घर लौट रहे हैं। यार अपने साइकिल से चलते हैं फटाफट उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर। और यार वो बहुत दिनों से घर नहीं लौटे हैं तो कैसे दिखते होंगे यार, उतने में कुछ तो चेंजेस हुआ होगा उनमें। यार फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन पर क्योंकि यार मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस यार काफी देर तक साइकिल दौड़ाने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर। लेकिन यार जिस ट्रेन से उन्हें आना था वो ट्रेन तो अभी तक से यहाँ आई ही नहीं है। तो यार ट्रेन के आने तक तो मेरे को यहीं पर उतर कर वेट करना पड़ेगा। और कोई ना यार, वेट करेंगे क्योंकि भैया जो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जमीन से हाथें निकलने लगी। अरे यार ये कहाँ पर लाकर कैद कर दिया यार मेरे को, ये तो काफी ज्यादा डरावना जगह है यार। अरे यार यहाँ से निकलेंगे कैसे, ऐसे जगह के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था यार। लेकिन यार इसमें क्या करना है यार, ये सब तो छोड़ो यार, कितना डरावना बाहर का सीन है, वो डरावनी आवाजें भी बाहर से आ रही है यार। लेकिन यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, इसके लिए शायद से यार मेरे को इधर की दीवार को हटाना पड़ेगा। और हाँ यार इधर से तो ये किट हट भी रहा है, फटाक से यार सभी को यहाँ से हटाकर हम उस तरफ चलकर देखते हैं उस तरफ क्या है यार। लेकिन यार ये पत्थर काफी ज्यादा वजन है यार, इसलिए इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं और यहाँ से बैठकर आगे चलते हैं। और आगे आने के बाद ये क्या है यार, ये तो मिट्टी खोदने वाला है। और हाँ हमारे पिछले कमरे में कुछ गड्ढे टाइप का दिख रहा था, शायद से वहाँ पर इससे खुदाई हो सकती है। और इससे खुदाई करके देखते हैं यार, हाँ यार यहाँ से तो मिट्टी हटने लगी, देखते हैं क्या होता है। अरे यार ये तो नीचे से जाने वाला सुरंग बन चुका है यार, फटाफट हम इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर से क्या हो सकता है, कहीं हम इस सुरंग से सीधा अपने सिटी में तो नहीं ना पहुंच जाएंगे यार। लेकिन नहीं भाई, ये तो और भी नीचे भेज दिया यार, यहाँ पर तो और भी डरावनी डरावनी साउंड आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं बाहर निकलने की वजह और भी फंस रहा हूँ। लेकिन यार ऐसे थोड़ा ना मर सकते हैं, मेरे को कुछ तो बचने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन यार आगे से तो रास्ता ही नहीं है यार, एक काम करते हैं पीछे चल कर देखते हैं, पीछे से तो रास्ता होगा ही ना। और हम पीछे आते हैं तो क्या देखते हैं यार, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, तो एक ही रास्ता है यार, मेरे को यहीं से ही नीचे कूदना पड़ेगा। और यार मैं बच गया, मेरे को तो लगा था यार कि मेरा हाथ पैर टूट ही जाएगा, बट यार अब चलते हैं आगे। लेकिन ये क्या यार, मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी कैद करके रखा था क्या? लेकिन यार ये सब छोड़ो, अब यहाँ से निकलने का कोई तो उपाय होगा, ये ढूंढते हैं। चलो यार इधर से चलकर देखते हैं। और इधर पे कैसा सीढ़ी है यार, इसके ऊपर चलकर देखते हैं, इसके ऊपर शायद से बाहर निकलना है कोई सुरंग हो। लेकिन यार ये क्या है, शायद से किसी लड़के का मूर्ति है, मतलब कि मेरे जैसे ये लड़का भी फंस चुका होगा और इसको इसने मूर्ति बना दिया यार। लेकिन यार मेरे को मूर्ति नहीं बनना है यार, इसलिए बाहर निकलने के लिए कोई तो रास्ता होगा। रुको यार मैं कुएं में कूद कर देखता हूँ, शायद यही रास्ता हो। लेकिन नहीं यार मैं तो कुएं में ही नहीं कूद पाया, शायद से मैं इस रास्ते से बाहर निकल सकता हूँ। दरवाजे ओपन कर लेते हैं, अब चलते हैं सीधा अंदर। लेकिन ये क्या है यार, इसी ने शायद से हम लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है। और यार इसने तो मेरे को देख लिया। और ये क्या भाई, इसने तो गद्दाला फेंक कर मेरे को मार दिया, वो टेरिस का निशाना चूक जाता है और मैं बच जाता हूँ। लेकिन यार इसने मेरे को देख लिया, ऐसे नहीं छोड़ेगा यार, एक काम करता हूँ यहाँ से भागने का प्रयास करता हूँ। और यार वो मेरा ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ने वाला यार, अब तो मैं शायद से गया। लेकिन नहीं यार मैं शायद बच सकता हूँ। ओ नहीं यार, अरे यार इस बार तो और भी खतरनाक जगह पर उसने कैद कर दिया यार मेरे को। लेकिन यार इधर से हम कुछ उठा सकते हैं क्या? बट नहीं यार, इधर से हम कुछ भी नहीं उठा सकते हैं। और ऊपर से भी लोग है यार, एक काम करते हैं इस सुरंग से चलकर देखते हैं इधर से, क्या पता मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन यार सुरंग कितना बड़ा है यार, ये सुरंग तो कभी खत्म ही नहीं होगा क्या? लेकिन नहीं यार, सुरंग तो खत्म होने ही वाला है। और देखो यार बाहर में कैसे हलचल हो रहा है, कहीं बाहर निकलने के बाद पीटा ना जाऊं। लेकिन यार मैं शायद से बाहर नहीं निकल पाऊंगा यार। लेकिन यार जब मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा तो ये सुरंग ही क्यों था यार, शायद से वो मेरे को और भी ज्यादा फंसाना चाहता है यार। लेकिन नहीं यार मैं इस ईंट को उठा सकता हूँ। और यार इस ईंट से क्या होगा यार, इसको फेंक कर देखते हैं। और यार तो काफी तेजी से गया यार, मेरे को लगता है कि उस वाले लोग को इसी से तोड़ा जा सकता है। तो यार मैं फटाफट इसको लेकर आता हूँ उसी दरवाजे के पास जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तो देखते हैं यार इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यार इस टूट क्यों नहीं रहा है, इसको फेंक कर मारना पड़ेगा। और ये भाई टूट भी गया। दरवाजा खुलने के बाद यार मैं सीधा अपने सिटी में आ जाता हूँ। और हाँ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यार आप लोग बिना बोले करते हैं नहीं, बोलने के बाद भी वही। तो मैं इस वीडियो में 20 लाइक का टारगेट केवल देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ऐसे ही चुटकियों में कंप्लीट करा देंगे। तो फटाफट 20 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।